हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको मेरी पिछली वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और जितने भी न्यू यूजर ये वीडियो देख रहे हैं, पहले तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड कोड फॉर एजुकेशन को इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर पर फॉलो करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। सो गाइज, आज का जो आपका टॉपिक है वो है आपका व्हाट इज अ फॉर्मेटिंग इन एचटीएमएल। ओके, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैंने हेडिंग दी हुई है, हेडिंग के बाद कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो मैं पहले आपको पहला पॉइंट बताता हूँ कि उसका मतलब क्या है। अगर आपने एमएस वर्ड यूज़ किया है ना गाइज, एमएस वर्ड, एक्सेल, एमएस ऑफिस में से कोई सा भी लाइक, सो आप थोड़े बहुत जो चीज़ें वहाँ पे यूज़ करते थे वो भी आपका एचटीएमएल में है। उनको यूज़ कैसे करते हैं वो चीज़ आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली। और जिसने भी मेरी पिछली वीडियोस को नहीं देखा है जिसमें मैंने आपको एचटीएमएल बताया है, टैग बताया है और अदर चीज़ें बताई, वो पहले उस वीडियो को देख लीजिए। मैं आपको वो लिंक आई बटन में दे दूंगा। ओके गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है आपका, इफ़ यू यूज़ अ वर्ड प्रोसेस यू मस्ट बी अ फेमिलियर विद द एबिलिटी टू मेक टेक्स्ट बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। ओके गाइस, ये तीन है आपके, टेक्स्ट बोल्ड होता है आपका, इटैलिक होता है और अंडरलाइन भी है आपके ऑप्शन। दीज आर जस्ट थ्री ऑफ द सम ऑप्शंस अवेलेबल टू इंडिकेट हाउ टेक्स्ट कैन अपेयर इन एचटीएमएल एंड एक्स एचटीएमएल। ओके गाइस, ये बस कुछ तीन एग्जांपल मैंने ऊपर अभी लिखे हुए हैं, देन मैं हम सारा देखने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। सो सबसे पहले वाला आपका स्टेप दिख रहा है यहाँ पे पॉइंट, वो है आपका बोल्ड टेक्स्ट। बोल्ड टेक्स्ट के लिए हम करते क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कि मैंने एनीथिंग दैट अपेयर्स विद इन, आपका शॉर्ट फॉर्म बी बन जाता है ये आपका बोल्ड, ओपनिंग टैग बन जाता है आपका एंड क्लोजिंग टैग विथ फॉरवर्ड स्लैश के साथ। ओके गाइस, एंड अलाइनमेंट इज डिस्प्ले इन बोल्ड, कि जो उसके अंदर का अलाइनमेंट होता है, जो भी कंटेंट होता है वो आपका बोल्ड दिखता है जब हम ये टैग यूज करते हैं। सेकेंड है आपका इटैलिक टैग्स। ओके गाइस, तो इसमें हमारा क्या है, इसके लिए मैंने लिखा हुआ है आपका एनीथिंग दैट अपेयर्स विद इन, ओपनिंग टैग आपका आई शॉर्ट फॉर्म आता है इसके लिए एंड क्लोजिंग टैग आपका फॉरवर्ड स्लैश के साथ आई ही रहता है, एंड अलाइनमेंट इज डिस्प्लेड इन इटैलिक। ओके गाइस, सिंपल है, मीनिंग सबकी सेम है। देन मैं आपको बस समझा रहा हूँ कि लाइक शॉर्ट फॉर्म क्या बन जा रही है, बी बोल्ड की बी बन जा रही है, इटैलिक की आई आ जा रही है। एंड अंडरलाइन टेक्स्ट, अंडरलाइन के लिए भी सेम क्या है कि बस यू चेंज हो रहा है आपका, मीनिंग वही है दोनों की। ओके गाइस, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है हमारा, स्ट्राइक टेक्स्ट। ओके, अब स्ट्राइक टेक्स्ट का आपने देखा होगा गाइस कि जो हमारा टेक्स्ट लिखा होता है उसके मिडल में एक लाइन अंडरलाइन आ जाती है, इससे लगता है कि लाइक हमने उसको कट कर रखा है। ओके गाइस, सो उसका भी मीनिंग यही है आपका, एनीथिंग दैट अपेयर्स विद इन स्ट्राइक आपका ओपनिंग टैग होता है, इसमें कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं हुआ, ये पूरा का पूरा एक टैग ही बन गया है विद नेम, फुल नेम। ओके गाइस, एलिमेंट इज डिस्प्ले विद स्ट्राइप थ्रू विच इज अ थिन लाइन थ्रू द टेक्स्ट। ओके गाइस, इसमें लिखा भी वही है कि लाइक एक अंडरलाइन सी आ जाती है आपके टेक्स्ट पे, कि जिससे कि वो लगता है कि आपका कट गया है। ओके गाइस, नेक्स्ट पॉइंट है आपका सुपर स्क्रिप्ट टेक्स्ट। ओके गाइस, सुपर स्क्रिप्ट टेक्स्ट में आपका क्या है, द कंटेंट ऑफ अ सुपर, अब सुपर का हमने शॉर्ट फॉर्म ले लिया एस यू पी, ओपनिंग टैग बन गया एंड क्लोजिंग टैग आपका सेम। एलिमेंट इज राइटिंग या सुपर स्क्रिप्ट, द फॉन्ट साइज यूज इज द सेम साइज एज द कैरेक्टर सराउंडिंग इट बट इज डिस्प्लेड हाफ अ कैरेक्टर्स हाइट अबव द अदर कैरेक्टर्स। लाइक कि आपने कोई कैरेक्टर पे, हमने कैरेक्टर सपोज लाइक आपका कोई टेक्स्ट है, हमने पी एलिमेंट लिया है पैराग्राफ, पैराग्राफ के अंदर हमने हेलो लिखा हुआ है, हेलो के ओ को हमें क्या करना है, सुपर स्क्रिप्ट बदलना है। तो हम ओ से पहले आपका शॉर्ट फॉर्म लगाएंगे एस यू पी एंड उसका क्लोज करेंगे टैग, देन आप देखेंगे उन दोनों में डिफरेंस होगा। इसका एग्जाम्पल हमारे को सबसे बेटर वहां दिखता है कि लाइक जब आप टेंथ लिखते हैं उसके साथ में आप टी एच देखते हैं तो वो लाइक आपका ऊपर होता है। ओके गाइस, नीचे है आपका नेक्स्ट पॉइंट सब स्क्रिप्ट टेक्स्ट। सेम है आपका वही कि आपका जो सुपर स्क्रिप्ट करता है वो ऊपर, देन सब स्क्रिप्ट करता है आपका बॉटम। ओके गाइस, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका इंसर्ट टेक्स्ट। इसमें क्या है आपका, एनीथिंग दैट अपेयर्स विद इन, शॉर्ट फॉर्म बन गया है आपका, यहाँ पे आई एन एस यूज करते हैं हम इसके लिए, एलिमेंट डिस्प्ले
एज इंसर्ट टेक्स्ट, लाइक कि ऐसा लगता है कि हमने वहां पे इंसर्ट करा रखा है कोई टेक्स्ट को। ओके गाइस, ये सारी की सारी चीजें जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये प्रैक्टिकल में यूज होने वाली है, इसलिए मैं आपको थ्योरी पहले कंप्लीट करवा दे रहा हूँ कि जिससे कि आपको बाद में दिक्कत ना आए। मैं वहां पे भी आपको बताऊंगा बट इतना डिटेलिंग में नहीं बताऊंगा। ओके गाइस, तो ध्यान से सुनिएगा। डिटेल टेक्स्ट, डिलीट टेक्स्ट। ओके गाइस, एनीथिंग दैट अपीयर्स विद इन डिलीट शॉर्ट फॉर्म DEL एंड ओपनिंग टैग एंड क्लोज टैग में आप देख रहे हैं एलिमेंट इज डिस्प्ले एज डिलीटेड टेक्स्ट। ओके, जब हम इस टैग को यूज करते हैं तो लाइक ये आपको वहां पे डिलीटेड टेक्स्ट के रूप में दिखाता है कि ये टेक्स्ट डिलीट हो चुका है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट है आपका लार्जर टेक्स्ट। नाम से ही आपको पता लग रहा है तो इसका, या यहाँ पे नाम इसका ये है, देन यहाँ पे टैग किसको यूज कर रहे हैं, बिग को। जब हम बिग को यूज करते हैं तो लाइक वो टेक्स्ट को बड़ा कर देता है। ओके गाइस, एंड देन उसके नेक्स्ट पॉइंट आपका स्मॉलर टेक्स्ट है, तो लाइक आप समझ ही रहे हैं कि एक हमने टेक्स्ट बिग करने के लिए यूज करा है, तो स्मॉल का जो हम यूज करेंगे टैग का वो करेंगे छोटा करने के लिए। ओके गाइस, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट आता है हमारा ग्रुपिंग कंटेंट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो हमारी जितनी भी वेबसाइट डेवलप होती है उसमें आपका ये ग्रुपिंग कंटेंट ही वर्क होता है। वो भी टैग यूज होते हैं बट वो आपकी स्पेसिफिक जगहों पे यूज होते हैं, आपका हर टाइम वो यूज नहीं होते हैं। आपको अलग अलग जगहों पे यूज करने पड़ते हैं, बट ये जो आपका सेक्शन है ग्रुपिंग कंटेंट, ये आपका हर जगह यूज होता है। ओके गाइस, इसमें क्या है, सबसे पहले द डिव एंड स्पैन एलिमेंट अलाउ यू कैन यू टू ग्रुप टुगेदर सर्वल एलिमेंट्स टू क्रिएट सेक्शंस और सब सेक्शंस ऑफ द पेज। मींस कि आपको डिव एंड स्पैन आपको क्रिएट करने का मौका देते हैं कि आप सेक्शन के अंदर सेक्शन, सेक्शन के अंदर सेक्शन ये बना सके। सपोज लाइक आप डिव के अंदर डिव, डिव के अंदर डिव। सपोज मेरे पास एक रेक्टेंगल है, मैं चाहता हूँ उसके अंदर एक और रेक्टेंगल बना लूँ, उसके अंदर एक और बना लूँ, उसके अंदर एक और रेक्टेंगल बना लूँ। ओके गाइस, तो ये उसमें काम आता है। तो स्ट्रक्चर जब हम खड़ा करते हैं HTML का, वो इसी ग्रुपिंग कंटेंट के साथ करते हैं, जो कि हमारे बहुत हेल्पफुल है ये चीज। ओके, इसका छोटा सा एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये वैसे हम प्रैक्टिकल जब हम करेंगे तो किसी भी एडिटर पे करेंगे, नोट पैड, सब लाइन या अदर कोई। तो अभी बस जस्ट मैंने आपको दिखाने के लिए कि आपका डॉक टाइप HTML लिखा हुआ है। डॉक टाइप क्या है, डॉक टाइप का मैं फुल फॉर्म नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी क्या है कि डॉक टाइप हमने इसलिए यूज करते हैं कि हम ब्राउजर को बताते हैं कि लाइक HTML का हम कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं। ओके गाइस, इससे हमें ब्राउजर को पता लगता है कि हम कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट टैब आपका आपका HTML है, देन हेड है। हेड में क्या होता है कि आपका हेड सेक्शन है। ओके, टाइटल से आप समझ ही पा रहे हैं कि टाइटल देते हैं हम, जो भी हम पेज बनाते हैं उसका टाइटल आता है वहां पे। एंड देन बॉडी जो है आपका, बॉडी में हम जो भी हम स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं अपने पेज का वो इंसर्ट करते हैं, राइट। अब वो किसके थ्रू करते हैं वो आपको मैंने यहाँ पे दिखा रखा है कि यहाँ पे आपका डिव है, डिव के बाद मैंने डमी जो ID ले रखी है, अलाइन मिडल ले रखा है जो कि हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा था, एंड H5 का ले रखा है हेडलाइन के लिए, मैंने एक P ले रखा है एक्चुअल पैराग्राफ के लिए। ओके, यहाँ मैंने डिव को क्लोज कर दिया क्लोजिंग टैग से। ओके, एंड बॉडी को भी क्लोज कर दिया एंड HTML को भी क्लोज कर दिया। ये हमारा पूरा का पूरा रैप हो गया पूरा HTML पेज। ओके, सो जिससे कि जब हम प्रैक्टिकल करेंगे मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा। आई होप कि आपको वीडियो में बहुत कुछ समझ में आया होगा। आपको वीडियो देखने के लिए सबसे पहले थैंक्स, एंड जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड कोड फॉर एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे फॉलो करें। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।